So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, Physistry with me. In today's lecture, we're going to talk about a very, very important lecture. Just we'll see that income effect, substitution effect or price effect. What is the difference between consumer equilibrium? I hope consumer equilibrium will be studied because I have already studied consumer equilibrium. तो ये लेक्चर तभी समझ में आने वाला है जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को एक बार पढ़ के आओगे। खैर बताने को मैं बताता हूँ यहाँ पे। दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट इक्विलिब्रियम, साइंस में क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को, स्टेट ऑफ रेस्ट जहां से कोई चेंज देखने को ना मिले। सिमिलरली कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है कह सकते हैं, वो स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है कि जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो डिराइव कर पा रहा है, उस स्टेट में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स हिज बजट लाइन एंड ऑल्सो वी कैन से द इनकम जो भी उसकी है। तो इनकम और बजट लाइन के हिसाब से एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब एक पॉइंट पे वो अटेन कर लेता है वही कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होती है। उस समय वो प्राइस और अपनी इनकम के हिसाब से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अटेन कर पा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, और फिर वहां से वो और खर्चा नहीं करना चाहता, ना नीचे जाना चाहता है ना ऊपर जाना चाहता है, वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहना चाहता है। तो कंज्यूमर की इनकम का कि वो कितना कमा रहा है, उसको कितनी सैलरी मिली, डेफिनेटली उसका फर्क पड़ने वाला है इस चीज पर कि वो किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा जब इनकम चेंज होगी। डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, इनकम ई लगा देना, INCOME, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकम का क्या इफेक्ट है ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ वी कैन डिफाइन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट होता क्या है? इनकम इफेक्ट का मतलब है, सो वी कैन डिफाइन द इनकम इफेक्ट एज द इफेक्ट कॉज्ड बाय चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ऑन हिज परचेजेस अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू बी कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? प्राइस को कांस्टेंट रखना है। तो कहा गया कि भाई इनकम इफेक्ट का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज की वजह से, कंज्यूमर के इनकम में बदलाव की वजह से क्या बदलाव देखने को मिलेगा कमोडिटीज की परचेज में उसके लिए, या कंज्यूमर की इनकम की वजह से, इनकम में चेंज की वजह से, विच कैन बी बढ़ सकती है घट भी सकती है, तो इनकम की चेंज की वजह से उसके परचेजेस में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जिस समय हम कमोडिटीज के प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये हम इनकम इफेक्ट में देखते हैं। तो इनकम क्या करेगा, क्या वो दूसरे गुड में शिफ्ट हो जाएगा या उसी गुड की ज्यादा क्वांटिटीज प्रेफर करेगा, क्या इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। प्राइस सेम रखा है, इनकम बढ़ गई तो वो डेफिनेटली अब क्या, मे बी वो किसी और गुड में चला गया जो उससे महंगा है, क्वालिटी गुड प्रेफर करे, या मे बी उसी गुड की और क्वांटिटी खरीद ले, है ना। सो या घट गया है तो हो सकता है वो उस गुड को खरीदे ही ना, ठीक है। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द इनकम की वजह से उसके परचेजेस में क्या इफेक्ट आया, ये हम इनकम इफेक्ट में देखते हैं। जब हम इनकम इफेक्ट देख रहे होते हैं दैट टाइम द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज हैज टू बी कांस्टेंट। सो ध्यान से समझो, तो ये समझ गए कि वी कैन डिफाइन इनकम इफेक्ट एज द इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ऑन हिज परचेजेस, वो बदलाव जो कि कंज्यूमर की इनकम की वजह से देखने को मिलते हैं और उसके परचेजेस में कि वो क्या चीज बाय कर रहा है ना। अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज टू बी कांस्टेंट, वो होता है इनकम इफेक्ट। अब क्योंकि हम इसका फर्क जानना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो ध्यान से समझते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, लेट्स से हमने एग्जांपल लिया कि मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। ध्यान से समझो, थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर कर लो फिर कोई आर्टिकल पढ़ लेना गुड्डू हो जाओगे। ध्यान से समझो, तो पहले नोट्स भी मिल जाएंगे आपको ये जो मैंने बना रखा। सो व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, अब देखो होता क्या है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो बजट लाइन, जाहिर सी बात है बजट कॉन्स्ट्रेंट हमने पढ़ा, बजट लाइन के बारे में भी हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेक्निकल टर्म्स जो आते रहेंगे आगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में, एटलीस्ट उनको तो पढ़ के आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियोस देख के आओ, फिर इसमें आओ, बढ़िया तरीके समझ में आने वाला है। सो अब मैं दोबारा वही नहीं समझाने वाला, ठीक है। सो व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। कैसे शिफ्ट हो जाती है? पैरेलल शिफ्ट हो जाती है या अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। पैरेलल और अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है कब? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, जाहिर से बात है इनकम बढ़ेगी तो उसका बजट भी बढ़ेगा क्योंकि वो अब वो ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पाएगा।
तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होगी, अपवर्ड होगी। सिमिलरली अगर कंज्यूमर की इनकम घटी है तो उसकी बजट लाइन पैरेलल और डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो बजट लाइन कैसी हुई, पैरेलल शिफ्ट करी और अपवर्ड। ठीक है, और सिमिलरली जब इनकम घटी तो उसकी बजट लाइन कैसे हुई, वो शिफ्ट हुई डाउनवर्ड। यहां पर एंड वाइस वर्सा मैंने लिख रखा है कि जब कंज्यूमर की इनकम घटेगी तब ये बजट लाइन क्या हो जाएगी, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो जाएगी। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है बजट लाइन पैरेलल और अपवर्ड जा रही है, और कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो बजट लाइन भी डाउनवर्ड जा रही है। तो जैसे जैसे इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की बजट लाइन चेंज हो रही है तो उसकी परचेसिंग पावर के हिसाब से अभी की एज्यूमिंग द गुड्स प्राइस टू बी कॉन्स्टेंट एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट वो अटेन करेगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है तो उसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी शिफ्ट आएगा, एक नए इक्विलिब्रियम पर वो पहुंचेगा। तो इस तरीके का चेंज इनकम इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम में चेंज इसीलिए आया क्योंकि पहले इनकम दूसरी थी, उस हिसाब से वो अफोर्ड कर पा रहा था गुड्स को, उस हिसाब से वो अटेन कर रहा था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब क्योंकि इनकम बढ़ी है तो कुछ चेंजेस आएंगे उसके परचेसिंग में, डेफिनेटली आएंगे, और फिर तब क्या होगा कि एक नया इक्विलिब्रियम उसे मिलेगा, एक नई स्टेट मिलेगी जब उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर पा रहा होगा। सो एज द इनकम चेंजेस कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ये है इसका सम अप। ठीक है, सो ये हो गया इनकम इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जस्ट क्लियरिंग योर थियोरेटिकल पार्ट कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चेंज आता है। लेट्स अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद एन एग्जांपल। ऑफ कोर्स लेट्स से वी हैव टी एंड अ कॉफी, लेट्स से वी हैव टी एंड अ कॉफी, एंड लेट्स से बोथ टी एंड कॉफी का जो पहला रेट, पहले जो सबसे पहले रेट जो है वो सेम है। लेट्स से ये भी 250 रुपीस की है और कॉफी भी 250 रुपीस की है। ओके, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लेट्स से टी और कॉफी दोनों का प्राइस सेम है, इक्वल यूनिट्स का, मान लो 500 ग्राम टी का पैकेट 250, 500 ग्राम कॉफी का पैक भी 250, आधा आधा किलो के दोनों। ठीक है, नाउ लेट्स से तो बंदा जो है, क्योंकि अब बंदा जो है उस टाइम प्रिफर क्या कर रहा है, उस टाइम प्रिफर बंदे ज्यादा जो कर रहे हैं, कॉफी पीने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, मानो कॉफी पीने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू टी पीने वाले। टी पीने वाले लेट से तीन ही हैं। ठीक है, तो लेट से टी पीने वाले तीन लोग हैं, कॉफी पीने वाले 5 लोग हैं। जब प्राइस बिल्कुल सेम है तो भाई लोगों को जो पसंद होगा, जो उनके लिए डियर गुड्स होगा, डियर गुड होगा, प्यारा गुड होगा, जो खरीदना चाहेंगे कॉफी है वो उस पर प्रिफर करेंगे, इसलिए ज्यादा लोग हैं। बट लेट से कुछ ऐसा हुआ मार्केट कंडीशन में कि जो टी का प्राइस है, टी का प्राइस फॉल कर गया और 250 से उन्होंने मान लो कुछ डिस्काउंट रखा, 250 से उसका प्राइस मान लो उन्होंने रख दिया 150 रुपीज, उसी 500 ग्राम को वाले टी को उन्होंने 150 रुपीज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर क्या हुआ, यहां से लोग जो थे वो लगातार कम हुए और कहां आके बढ़ गए, टी में आके बढ़ गए। ये जो चेंज देखने को मिला है जब लोग एक गुड से सब्स्टिट्यूट होके दूसरे गुड में आ गए ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस, दैट इज व्हाट योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज। आई होप यू गॉट एन आइडिया, आई जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जिससे आपको क्लैरिटी हो। सो आई एम गोना रब इट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। So, as a matter of fact, the substitution effect describes the change in quantity purchases, कि क्या change आएगा quantity जो खरीदी जा रही है उस समय due to the change in the price of a commodity, commodity के price के change की वजह से, जैसे कि मैंने आपको tea और coffee का example दिया। So here income of the consumer, हमें income पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर income constant है, सिर्फ price पर depend करता है कि वो substitute करेगा या नहीं, दोनों का ही प्राइस कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, उसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। When the relative prices of commodity change, तो जब ये relative price commodity का चेंज हो जाता है तब क्या होता है, कमोडिटी जो है ये ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है देन अदर्स। यानी कि मान कि पहले दोनों सेम प्राइस के थे 250 500 ग्राम का, बट जैसे ही तब लोग कॉफी ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे टी का प्राइस काफी कम हो गया एज कम्पेयर टू कॉफी, लोगों ने सब्स्टिट्यूट की तरह टी को यूज करना स्टार्ट कर दिया और उनके लिए वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गया। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हेन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटी चेंज, व्हेन कमोडिटी बिकम्स, सो वहां पर क्या होता है, कमोडिटी जो है ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। व्हेन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटी चेंज देन
कमोडिटी बिकम्स मच अफोर्डेबल देन अदर्स, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने देखा। तीसरा है, ठीक है, तो क्या हुआ, कमोडिटी जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल होगी और एक नया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर फिर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, भाई प्राइस का क्या फर्क पड़ता है। तो हियर बहुत सिंपल, ये द प्राइस ऑफ ओनली वन कमोडिटी चेंजेस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये कुछ इफेक्ट्स तो आप पीछे भी देख सकते हो, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, वहां पर दो भी हो सकते थे, दोनों के स्लाइट चेंजेस आ सकते थे, बट हियर जब हम प्राइस इफेक्ट देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, तो ये समझना जरूरी कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज होगा। तो बेसिकली प्राइस इफेक्ट क्या है, इट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन ऑफ द कमोडिटीज। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो दो गुड्स हैं उनमें से किसी एक कमोडिटी के प्राइस में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन ऑफ द कमोडिटीज, जिसकी वजह से क्या होगा, कमोडिटीज की क्वांटिटी में फर्क आएगा, सर्विसेज में फर्क आएगा, कि लोग कितना खरीदेंगे इस बात पर ही डिपेंड करता है ना डेफिनेटली कि वो उसका प्राइस क्या है। अगर प्राइस को तुम बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा तो डिमांड कम होगी। सो इट इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन ऑफ द कमोडिटीज ड्यू टू व्हिच द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज परचेज्ड चेंजेस। सो ये था इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को शेयर करते रहें। थैंक यू।